अब बच्चे सिंपली कुछ मैं नॉलेज शेयर करता हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव एक्स आध्या किसके इक्वल आएगा रूट फाइव रूट फाइव एंड फाइव जो रूट है बच्चे दैट इज बिकम पावर हाफ रूट के अंदर कुछ नहीं होता तो यहां पे टू इज ऑप्शनल स्क्वायर रूट और टू यहाँ पे डाल देंगे तो दैट इज द सेम थिंग मींस ग्रुप ऑफ टू में से एक बाहर आता है यही किया ना हमने एट्थ क्लास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में अब क्यूब रूट मान लो क्यूब रूट ऑफ सेवन है इट मींस सेवन एज लाइक जो क्यूब रूट है उसका मतलब वन बाय थ्री पावर आई समझ आप yeah. इसी टाइप से यहां पे देखो यहां से बच्चे b की वैल्यू फाइंड करो स्क्वायर स्केयर रूट बनता है उस साइड जाके तो उसका मतलब पावर हाफ तो यहां पे पावर वाई है ना तो उस साइड जाके पावर वन अपॉन वाई हो जाएगी अंडरस्टूड यस एंड फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड सी सी की वैल्यू बच्चे यस uh, yes, कौशल क्या आएगी कौशल सर आई टेल या मैं टेल। A की पावर वन बाय जेड यस वेरी गुड सेम वे अब बच्चे सी के प्लेस पे यहां पे फिल कर दो <coughs> तो बी की वैल्यू सी के प्लेस पे ये वैल्यू सारी की सारी ए की पावर वन अपॉन जेड होल की पावर वन अपॉन वाई तो बी एज लाइक पावर के ऊपर पावर तो हरमन क्या होगा बच्चे यस पावर के ऊपर पावर देन व्हाट वी कैन डू स मल्टीप्लाई पावर्स आर मल्टीप्लाइड तो बी की, so की वैल्यू बच्चे क्या आ गई हमारे पास वन को वन से मल्टीप्लाई किया वन जेड इंटू वाई जब जी mm -hmm. जब जी जेड इंटू वाई बच्चे जेड वाई अब बी की वैल्यू आ गई बच्चे यहां पे B के प्लेस में फिल कर दो वी गेट ए की पावर एक्स इजिकल टू बी था ना बेटा B के प्लेस पे ये वैल्यू फिल हो जाएगी ए की पावर x इज टू वन अपॉन ए की पावर z y। वाई सॉरी ए की पावर वन अपॉन जेड वाई इज वन अपॉन नहीं है तो ए की पावर बच्चे बी की वैल्यू आई थी अब दोनों साइड पे बेस सेम है तो अंकित क्या करेंगे हम कंपेयरिंग बोथ साइड्स। सेम देन पावर एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन जेड वाई एज लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई जेडवाई बच्चे ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वन यही बच्चे हमने प्रूव करना था आगे समझ? Yes, sir. Excuse तो यूज़ किए थे और A का भी तो यूज करके बना सकते थे हाँ जी बेटा हां जी जैसे मर्जी कर लो चाहे okay, तो ए की वैल्यू बी में ठीक है बी की वैल्यू yes. यहाँ पे फिल कर दो सी की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे फिल कर दो तो भी हो जाएगा कोई मर्जी मेथड okay. यूज कर लो यू कैन गेट द आंसर यू कैन ट्राई ट्राई करना नहीं आएगा तो okay. मेरे से पूछना yes, sum, 8th, 9th, 10th, ये सारे बच्चे थोड़े से रटफिकेशन वाले हैं मतलब प्रैक्टिस चाहिए इनको करने के लिए नाइन्थ समी पावर एक्स इजिकल टू b की पावर वाई इजिकल टू सी की पावर z एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इज गिवन वी है क्या करना है वैल्यू फाइन करनी है प्रूव करनी है वट वी कैन डू यहां से बच्चे ये तीनों इक्वल है यहां पर बी ए और सी की वैल्यू यहां से फाइन करके फिल कर दो देखो तीनों में तीनों आपस में इक्वल है ना बी बीच में पड़ा है ना तो बी की वैल्यू फाइंड कर लो ए वाई ए की वैल्यू फाइंड कर लो सॉरी ए की वैल्यू क्या आएगी कौशल कौशल माय नेट इज स्लो सो एम आई ऑडिबल या या so so it would be b whole whole to the power 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 y multiplied by by upon x yes. power x one by x power yes power power, तो powers multiply y को one upon x से multiply करेंगे क्या जाएगा b की power, y upon x okay एक ही value ये जाएगी सेम वे बच्चे बी इन दोनों को आपस में इक्वल कर दो लास्ट सेकेंड टर्म को बी की पावर वाईकल टू सी की पावर जेड वी गेट बी की सी uh, की वैल्यू फाइंड करो बी की पावर वाई एज लाइक जेड पावर वन बाई जेड बन जाएगी बी की पावर क्या आ अपॉन वाई जेड आ गई सी अब ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली सी की वैल्यू फाइंड कर ली किसके बी की फॉर्म में यहां फिल कर दो नाउ बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी ठीक है बी स्क्वायर एज लाइक ए के प्लेस पे ए की वैल्यू बी की, 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 upon... oh, yes, yes, की, yes, की पावर वाई अपॉन एक्स एक सेकेंड एक सेकेंड बच्चे सी की वैल्यू बी की पावर वन अपॉन सॉरी वाई वाई अपॉन अपॉन जेड, जेड, बी की पावर फिर से बच्चे थोड़ा सा कटिंग होगी बी की पावर वाई अपॉन एक्स इंटू बी की पावर वाई अपॉन जेड स्टेप छोड़ दो नाउ आद्या व्हाट वी कैन डू आद्या जब जी सर कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। नो बच्चे अभी मल्टीप्लाई साइन इज बेस सेम है तो so पावर्स क्या होंगी जब जी मल्टीप्लाई नो बच्चे एट वाई अपॉन एक्स प्लस दोनों साइड बीच में इक्वल साइन दोनों साइड में बेस बी सेम है कंपेयरिंग बोथ साइड यस हरमन व्हाट वी गेट सर टू इज इक्वल टू y over x plus y over z yes this one yes, now sir. we have to find the value of y एक काम करो दोनों में से हर्षवर्धन क्या चीज पामन है सर y y what is left uh, x and z no sorry sir ओरिया बस 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 टाँग गई बच्चे आपकी sir What 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 I what, uh, we have to tell? Y Y, is is common. What is left? Uh, sir, uh, and no, so, may I do y. Yes. Sir and X. Plus one upon Z. yes. Yes. Z. हमने ऊपर से कॉमन लिया है तो नीचे सेम रहेगा ऊपर वन वन रह जाएगा समझ आई बच्चे ये स्टेप वाई सेम यहाँ पर बच्चे एलसीएम एक्स जेड इज द एलसीयम एक्स एंड जेड जब जी फर्स्ट टर्म क्या आएगी बच्चे इसमें व्हाट वी गेट फर्स्ट टर्म वाई एक्स हाँ yes, जब जी बोलो बेटा एलसीएम लेना आता है जब जी सर जेड जेड प्लस सेकंड टर्म एक्स एक्स वाई एस लाइक एक्स जेड टू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके टू एक्स जेड और जेड प्लस एक्स मल्टीप्लाई था वाई के साथ कहाँ चला जाएगा नीचे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2xz upon z plus x दैट इज द वैल्यू ऑफ y अंडरस्टूड यही बच्चे हमने प्रूव करना यस सर यस फिर से देखो हमें दो चीजें गिवन है एक तो ये गिवन है और एक ये गिवन है a की पावर x बी की पावर y सी की पावर z गिवन है एंड b² ac के इक्वल गिवन है मैंने क्या किया यहां से a की वैल्यू भी b की टर्म में निकाल ली c की वैल्यू भी कैसे फर्स्ट टू को इक्वल किया ए की वैल्यू बी की टर्म में निकालनी है ना तो बी की पावर वाई सेम टू सेम जो पावर एक्स थी उस साइड जाके वन बाय एक्स पावर होगी यहाँ से बच्चे बी की वैल्यू सी की पावर जेड सी की वैल्यू निकालनी है सॉरी पावर उस साइड जाके वन अपॉन जेड होगी अब वाई इंटू वन अपॉन एक्स बी की पावर वन वाई अपॉन एक्स आ गया यहां से बच्चे वाई इंटू वन अपॉन जेड वाई अपॉन जेड आ गया एंड सी की वैल्यूज आ गई जो सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन थी वहां पे मैंने ए एंड सी के प्लेस पे उसकी वैल्यूज फिल कर दी। ये इक्वेशन थी एज़ लाइक, ए के प्लेस ठीक है क्योंकि बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती है मल्टीप्लाई में एड हो जाती है अब कंपेयरिंग बोथ साइड्स बेस सेम है दोनों तरफ बी, बी इक्वल साइन इज तो पावर्स भी क्या होंगी? इक्वल टू इज इक्वल जो हमने फाइंड करना था प्रूव करना था उसमें वाई एक पे था, वाई को मैंने अपने प्लेस पे रखा ये पूरी टर्म से मल्टीप्लाई थी ना एक्स अपॉन जेड अपॉन में था तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया जेड प्लस एक्स ऊपर था तो उस साइड जाके नीचे आ गए लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी आती है ना दैट इज लास्ट में लिख देना सम okay? किसी को कोई डाउट इसमें बच्चे नो सर श्योर यस सर नाउ नेक्स्ट सम दिस इज ऑल्सो टोटली डिफरेंट फाइव की पावर माइनस पी इजिकल टू फोर की पावर माइनस क्यू इजिकल टू ट्वेंटी की पावर आर दिस वन वट वीव टू प्रूव टू प्रूव बच्चे हमने क्या करना है वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू प्लस वन अपॉन आर इजिकल टू जीरो इन तीनों को बच्चे के के इक्वल ले लो तीनों आपस में इक्वल है किसके इक्वल ले लो के के फर्स्ट को के के इक्वल करो फाइव की पावर माइनस पी इज इक्वल टू के फाइव इज इक्वल टू आद्या आद्या सुन रहे हो बच्चे आप नो no. अंकित सर के की पावर पी नो बेटा सर वन अपॉन माइनस पी माइनस वन अपॉन पी माइनस वन अपॉन पी माइनस साइन तो आएगा ही आएगा जो पावर होती है वो अपॉन में जाती है बस यहाँ पे पावर टू होती तो वन बाई टू हो जाता माइनस पी है तो माइनस वन बाई पी इसको इक्वेशन वे वे दे दो फर्स्ट हाँ जी बच्चे सर कैन मी डू द नाइन्थ क्वेश्चन आल्सो लाइक दिस बाय क्रेडिंग देम एस इट्स बोल्डर के और सर टेकिंग अन्य अदर वेरिएबल विचारम सर नाइन्थ क्वेश्चन सर बच्चे वहाँ पे टू इक्वेशंस गिवन है वहाँ पे टू इक्वेशंस गिवन है हाँ यस सर सो बट दें आल्सो विल इट्स राइट हिंट दिया कर लेना बच्चे � एक्चुअल में मैं एग्जांपल्स करता हूं या जब भी कोई सोल्यूशन करता हूँ तो मैं हिंट कभी नहीं देखता मैं अपने मेथड से ट्राई करता हूं और निकल जाता है आई समझ यस यस सर अब यहां पे भी एक रट्टाफिकेशन है तो मैं खुद पता चल जाएगा कि क्या रट्टाफिकेशन है यहां पे फाइव की वैल्यू के, uh, के की पावर माइनस वन बाई आ गई सेकेंड टर्म को भी बच्चे के इक्वल करो फोर की पावर माइनस के फोर इज इक्वल टू यस अंकित हरमन क्या आएगा बच्चे yes, sir. K की पावर माइनस वन ओवर क्यू माइनस वन ओवर क्यू टेक इट सेकेंड इक्वेशन ओके दिस विल बी टेकन एज सेकेंड इक्वेशन एक सेकेंड बच्चे जब जी क्यों लेफ्ट कर चलो कोई बात नहीं अब यहां पे बच्चे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो क्या करो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो व्हाट वी गेट यस yes. अंकित क्या आएगा मल्टीप्लाई करके के सर टू के लेफ्ट से लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई फाइव इंटू फोर राइट से राइट साइड मल्टीप्लाई के की पावर माइनस वन बाई पी इंटू के की पावर माइनस वन अपॉन क्यू फाइव फोर से ट्वेंटी के माइनस वन अपॉन पी माइनस वन अपॉन क्यू ट्वेंटी इक्वेशन नंबर थर्ड नाउ अभी हमें ये गिवन है ये पेंडिंग है ट्वेंटी की पावर आर इज इक्वल टू के ट्वेंटी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास K की पावर वन अपॉन आर ये आएगा यस दिस फोर्थ इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ लेफ्ट हैंड साइड बच्चे सेम है तो राइट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल के की पावर माइनस क्यू माइनस पी अपॉन पी क्यू इज इकल टू के की पावर वन अपॉन आर

मल्टीप्लाई yeah. yeah. सीधा नहीं कर सकते इनको अदरवाइज इक्वल रख लेते हैं इनको इसलिए इसको के इक्वल लिया पहले को भी के इक्वल लिया यहां से फाइव की वैल्यू निकाल ली 4 को भी के के, पावर इसको भी के 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 लिया 4 की वैल्यू निकाल ली दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 20 आ गया ये आ गया अब लास्ट uh, टर्म जो थी वो पेंडिंग थी हमारे पास ये वाली इसको भी इक्वल कर दिया तो 20 की वैल्यू निकाली k की पावर 1 अपॉन r फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ बेस लेफ्ट साइड सेम है बच्चे तो राइट हैंड साइड इज आल्सो सेम लेफ्ट हैंड साइड सेम आ गई दोनों को इक्वल किया अब बेस सेम है दोनों का कंपेयरिंग बोथ साइड्स माइनस क्यों -p अपॉन p q 1 अपॉन r सॉल्वड एंड यू गेट द आंसर आई समझ बच्चे सर वो लास्ट वाले स्टेप समझाओ ना जो जीरो आ गया एक मुझे बात बताओ x इज इक्वल टू सेवन वाई प्लस जेड है मैं इन दोनों टर्म्स को इस साइड लेके आऊंगा तो क्या बनेगा बोलो बच्चे सर x बनेगा? Minus 7Y minus x 0. वही चीज की है वन अपॉन क्यों माइनस में या उस साइड चला गया तो प्लस हो गया माइनस वन अपॉन पी उस साइड चला गया प्लस हो गया yes. क्या बच गया जीरो के इक्वल यही बच्चे हमने प्रूव करना था सर जीरो समझे यस नाउ द इलेवन साम इज नॉट इक्वल टू एन एम प्लस एन होल की पावर माइनस वन

बच्चे बोलते क्यों नहीं हो हर्ष? ये सर एम प्लस एन की पावर माइनस वन है क्या लिख सकते हैं इसको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो क्या आएगा अंकित सर एम टू वन एम वन सर एम वन प्लस एन वन नो no, सॉरी बच्चे अंकित सर मैं एन क्या बोलें या सर वन अपऑन एम प्लस एन यस होल की पावर नेगेटिव है बच्चे तो पावर माइनस वन है तो पॉजिटिव करना है तो बेस रेसिप्रोकल इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन है वन अपॉन एम प्लस एन यहाँ पे बच्चे <coughs> सॉरी एम की पावर माइनस वन आद्या नेगेटिव पावर को खत्म करो क्या आएगा आद्या

प्लस एम एम इजिकल टू एम की पावर एक्स इंटू एन की पावर वाई एम प्लस एन इज n को क्या लिख सकते हैं बच्चे माइनस वन टू एन की माइनस वन 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 पावर नहीं होती तो वन पावर होती है ना एम की पावर एक्स इंटू एन की पावर वाई कंपेरिंग बोथ साइड बेसेम तो माइनस वन इज टू एक्स माइनस वन इज टू वाई एक्स एंड वाई की वैल्यूज आ गई बच्चे हमारे पास अब जो चीज प्रूव करनी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लो क्या है लेफ्ट हैंड साइड एक्स प्लस वाई प्लस टू ये है ना एक्स और वाई की वैल्यूज फिल कर दो एक्स की वैल्यू माइनस वन

ओके okay. खत्म हो गई अभी मिनट्स लेफ्ट हैं उली. चलो MN M, N M की one, N की दोनों पे कर दिया बेटा एम सेम है माइनस वन इज गडू वाई एक्स एंड वाई की वैल्यूज आ गई जो चीज फाइंड करनी है प्रूव करनी है उसमें बच्चे हमने फिल कर दी आंसर 12 सम, 4 की पावर, x प्लस एट इन टू फोर की पावर हां जी एक सम बच गया रह गया सही तो है तो है ना। थर्टीन कॉल आ रही है

अभी अपडेट करने वाला है अभी तो so, मुझे ये फटाफट ये सम्स हो जाए फोर की पावर एक्स माइनस वन इंटू जीरो माइनस टू एक्स किसके इक्वल वन अपॉन एट की पावर माइनस एक्स फोर की पावर एक्स माइनस वन सेम डेसिमल हटा लो बच्चे फाइव बाई टेन की पावर थ्री माइनस टू एक्स इस साइड बच्चे वन अपॉन टू की पावर थ्री की पावर माइनस एक्स पहले ही हम पॉजिटिव भी कर सकते थे पावर यहाँ कट हो गया टू आ गया रेसिप्रोकल टू की पावर टू एक्स माइनस थ्री यहां देखो ध्यान से क्या किया मैंने हाफ था रेसिप्रोकल कर दिया नेगेटिव तो टू एक्स प्लस का हो जाएगा थ्री माइनस का यहां पे बच्चे टू की पावर माइनस थ्री की पावर माइनस एक्स ऐसे लिख लो एक बार फोर को क्या लिख सकते हैं टू की पावर टू फोर कैन बी रिटर्न टू की पावर टू टू को yes दोनों से थ्री एक्स बेस सेम पावर टू एक्स माइनस टू प्लस टू एक्स माइनस थ्री किसके इक्वल टू की पावर थ्री okay? एक्स के टू की पावर टू एक्स प्लस टू एक्स फोर एक्स माइनस फाइव टू की पावर थ्री एक्स कंपेयर कर दो बच्चे दोनों साइड को फोर एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू थ्री एक्स फोर एक्स एज लाइक थ्री एक्स इस साइड आके माइनस हो गया फाइव इस साइड प्लस हो गया एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास फाइव फाइव आ गई दैट इज आंसर सेकेंड पार्ट सो इजी बेस सेम है

बेस है पावर सीधा ऐड कर रहा हूँ बच्चे में 10x 10, एक की पावर कंपेयरिंग बोथ यू गेट आंसर चलो आज के लिए बच्चा इतना ही है ना है कल से पूरी वन आवर की क्लास लगेगी ठीक है ओके आद्या सर कल वाली लेक्चर भी yes. अपलोड कर देना हाँ जी हाँ जी बच्चे कर दूंगा कल मुझे थोड़ा सा काम था इसलिए नहीं हो पाया बच्चे ठीक है yes,